दोस्तों देखिए मेरे ठीक पीछे आपको दिख रहा है ये है कैची धाम मंदिर। दोस्तों ये बात जान के आप बहुत हैरान होंगे कि उत्तराखंड के नैनीताल के पास बसा हुआ बाबा नीम करौली का यह कैची धाम मंदिर जितना भारत में प्रसिद्ध है उतना ही लोग इसको यूएसए में भी पसंद करते हैं। अगर आप इंटरनेट पे बाबा के भक्तों की सूची देखेंगे तो आप उससे ज़्यादा हैरान होंगे क्योंकि बाबा के भक्तों में बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। दोस्तों आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल, उसके जो मालिक हैं स्टीव जॉब्स, और जो फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग, तथा हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, ये नाम इसमें शामिल हैं जो बाबा के भक्त कहलाते हैं। दोस्तों इसकी सच्चाई की पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता, हाँ इतना ज़रूर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ अपने व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से कि जब हम यहाँ पे गए थे तो यहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा आपको मन की शांति मिलती है। अब ये धीरे धीरे मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है तो यहाँ पे क्राउड भी रहता है, लोगों की भीड़ भी रहती है, पर उसके बाद भी आपको यहाँ पे जो चित्त की शांति मिलेगी वो कहीं नहीं मिल सकती। तो दोस्तों इस बीच हम भीमताल घूमने गए थे तो हम कैची धाम भी गए हैं, तो इसी यात्रा का आनंद लीजिए आप भी। और इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके मन में जिज्ञासा हो रही है मंदिर के बारे में जानने के लिए तो देखते रहिए, आपको बहुत सारी बातें बताएंगे इस मंदिर से जुड़ी हुई। दोस्तों देखिए हम लोग हल्द्वानी से अभी काठगोदाम पहुंचे हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं कैची धाम के लिए। तो कैची धाम के लिए जाने के लिए आप नैनीताल से भी जा सकते हैं या फिर भीमताल से। तो हम लोगों ने जो रूट चुना है वो है भीमताल का, तो जाते हुए आपको हम भीमताल भी दिखाएंगे। और यहाँ तक कैसे पहुँचना है इसके बारे में आप काठगोदाम तक ट्रेन से भी आ सकते हैं, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो काठगोदाम तक ट्रेन से आइए और यहाँ से आप टैक्सी वगैरह कर सकते हैं। चलिए बाकी बीच बीच में आपको यहाँ पे प्रकृति के नज़ारे दिखाते हुए चलेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ से अब पहाड़ी इलाका शुरू, अब पहाड़ आने शुरू हो जाएंगे, तो इसे आप सरहद कह सकते हैं। इस तरफ हल्द्वानी प्लेन इलाका और अब इससे आगे पहाड़ी इलाका शुरू। दोस्तों चलिए आपको बाबा जी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दें। बाबा जी का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में इनका जन्म हुआ था सन 1900 के आसपास। 17 वर्ष के आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इनके पिताजी का नाम था श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा। दोस्तों 11 वर्ष के आयु में ही इनका विवाह हो चुका था। 1958 में बाबा अपने घर को त्याग कर साधुओं की तरह विचरण करने लग गए। इसी बीच उनका नाम लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। दोस्तों इन्होंने गुजरात के ववानिया मोरबी में तपस्या की तथा तलैया बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना हुई थी। दोस्तों फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ही सफ़र कर रहे थे, अब क्योंकि इनके पास टिकट नहीं था तो इनको ऑफिशियल्स ने उतार दिया था, वहीं पे उतार के बाबा जी बैठ गए साधना में। और चमत्कार देखिए दोस्तों, ट्रेन चली ही नहीं, दोबारा नहीं स्टार्ट हो पाई, तो फिर जो ऑफिशियल से जो मजिस्ट्रेट थे वहाँ के वो आए, वो ऑलरेडी बाबा को जानते थे पहले से, उनके चमत्कार के बारे में जानते थे, तो उन्होंने फिर उस ऑफिशियल से कहा कि भाई आप इनसे माफ़ी मांगो, और ऑफिशियल्स को जनता के और मजिस्ट्रेट के दबाव में आके बाबा से माफ़ी मांग के उनको आदरपूर्वक वापस ट्रेन में बैठाना पड़ा, और बाबा जी के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन फिर से स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों जो स्टेशन था उस स्टेशन का नाम था नीव करौली, और वहीं से बाबा जी का नाम नीम करौली वाले बाबा पड़ गया। सच अ ब्यूटीफुल लेक, वाओ। तो चले बोटिंग करने। दोस्तों लाइफ में मौका मिले तो जरूर आए यहाँ एक बार, और अगली वीडियो में और ढेर सारी जानकारी लेके आएंगे। प्लीज़ सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।